मेरी भाभी ने जरूर भेजा होगा, भाभी घर में तो खाए लाले भरे तो ये बताओ सुदामा एक कुटलिया को दबाए हुए इस काम में। भगवान बोले एक बात नहीं समझ में आई भैया, बोलो ये तेरी कांख में ये हाथ तेरा कैसा उठ रहा है? पुष्पराज की भैया तो ड्रो है, थोड़ा लेकर आओ। चलो कोई बात नहीं है, मैं अपने मित्र के दुख को दूर करूंगा। भगवान ने कांख में हाथ डाल दिया नाना, कांख में हाथ डाला और चावलों को निकाल लिया और चावल उसमें चूले हुए निकले। कहने लगे मित्र तुम्हारी ये मेरी बात समझने नहीं आई, मेरे प्यारे भक्तों उस चावलों में एक चिट्ठी निकली, एक पत्र निकला। जो चावल नहीं निकले उसमें पत्र निकला, उसमें लिख रहा था एक मास दुई पाखने दुई एकादशी होए मेरे घर में सांवरे रोज एकादशी होए। उल्टा पत्र किया भगवान ने और कहा एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हुई अब तेरे घर में सावर तेरे घर में मामेरी रोज द्वादशी हो। एकादशी का व्रत द्वादशी में खोला जाता है, अब तेरे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। उल्टे पत्र पर लिख दिया। और प्यारे भक्तों आज मित्र ने क्या किया, वो तीन मुट्ठी चावल लिए और चावल लेकर के बारी बारी से मुट्ठी को भरा। जो मेरी माता बहने चावल लेके आई हूँ सुदामा गरीबी को, वो एक एक करके उठ करके आ जाए और सुदामा के पास रख दिया। फेंकना मत बहनों, चावल फेंके नहीं जाते, अन्न का अनादर होता है। ठीक है, आराम से रखती जाना। सुधा भगवान खड़े हो गए और मुट्ठी मुट्ठी चावलों को चाव रहे हैं। सब लोग बोलेंगे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। Thank you.
हरी